हेलो गाइस, तो अगर आप लोगों की राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है आप लोगों की, तो देख लेते हैं मार्च का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, मार्च के महीने में क्या करना है आप लोगों को, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए मार्च का महीना। थैंक यू वृषभ राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। अगर कुछ चीज़ें आपने संभाल के नहीं रखी हैं, आप संभाल नहीं रहे हैं कुछ चीज़ों को, उथल पुथल हो रखी है अगर आपकी लाइफ में, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों को मेंटेन करिए, कुछ चीज़ों को मेंटेन करके रखिए, शायद बजट मेंटेन करने की ज़रूरत है वृषभ राशि। तो पास्ट की ऊर्जा मुझे यहाँ लग रही है, पास्ट में साथ ही यस खर्चा, यहाँ खर्चे की भी ऊर्जा है। यही तभी बजट का मैसेज यहाँ पर आ रहा था कि कुछ लोगों का ज़्यादा खर्चा हो सकता है, आप लोगों को समझना है कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, मैं ये सब खरीद लूँ, तो आपके लिए वो एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको अपने खर्चे को संभालने की ज़रूरत है। और सक्सेस आ रही है अगर आप लोग पास्ट की ऊर्जा में हैं। देखिए मैंने कहा था ना खर्चा मत करिए, लिटरली वही कार्ड आ गया, खर्चा मत करिए, बजट को संभालिए, अपने बजट मेंटेन करिए। साथ ही अगर आप लोग पास्ट की ऊर्जा में हैं तो आपको उस ऊर्जा से बाहर निकलने की ज़रूरत है, पास्ट की ऊर्जा में मत रहिए, आपको उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं। ये मार्च का महीना कुछ बड़ी सक्सेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, आप हो सकता है आपके पास्ट में ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई हो और आप उसी को पकड़ के बैठे हैं, काश वो हो जाता तो अच्छा होता, काश वो इंसान ना जाता तो अच्छा होता, काश वो इंसान अभी भी रहता मेरे पास, काश वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना निकलती। तो इसमें घबराइए मत, आपके लिए दो कार्ड्स आते हैं, ओके। तो आपके लिए इस महीने और भी अपॉर्चुनिटीज़, आपको अगर आपने 10 अपॉर्चुनिटीज़ खोई है ना, तो आपको 1000 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इस महीने मिलने वाली है, एंड इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिवाइन प्लान, यहाँ पर कुछ डिवाइन प्लान मुझे सुना, जस्टिस मिलेगा आप लोगों को, जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको, तो आप लोगों को जस्टिस यहाँ पर मिलेगा। साथ ही बैलेंस की ऊर्जा, मैंने आपसे कहा था बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है आप लोगों को, खर्चा नहीं करना है ज़्यादा, ओके, इस महीने ध्यान रखिएगा बजट का। साथ ही कुछ लोग हो सकता है प्रोक्रास्टिनेशन में, डे ड्रीमिंग में जा सकते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि डे ड्रीमिंग नहीं करना है, अपने प्लान्स को प्रैक्टिकलिटी में लाने की इस महीने नीड है आप लोगों को। इस महीने जो भी आपने प्लान बनाए हैं वो सब प्रैक्टिकल आप लोग कर पाएंगे। द सन की एनर्जी है, सक्सेस आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बरस रहा है तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है खर्चा मत करिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए। और आपसे कहा जा रहा है डिसिप्लिन, शेड्यूल को मेंटेन करिए, डे ड्रीमिंग मत करिए। साथ ही कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई थी आपके पास्ट में, तो इस बार चीज़ें मूव ऑन करेंगी। इस मंथ आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगी कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लूँ, और उस चक्कर में ना ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो आपको एक ही चीज़ पे यहाँ फोकस करना है, आपको ऐसे नहीं हबड़ तबड़ में नहीं, आपको किसी भी तरह की हड़बड़ी में नहीं रहना है यहाँ पर, स्लो डाउन हो जाइए, मतलब अपनी सोचिए समझिए अपनी चीज़ों को, उसके बाद किसी भी चीज़ पर एक्शन लीजिए, एंड स्लो डाउन की किसी भी चीज़ में डिसीजन लीजिए। स्लो डाउन की ऊर्जा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने बहुत ही तेज़ी से चीज़ें मूव ऑन करेंगी, एक हवा के झोंके के साथ बहुत ही तेज़ी से, एंड आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा आ सकता है, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं ना, आपको यहाँ पर अगर आप लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बहुत समय से आप लोग प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, और आपने बहुत सारे मेथड्स ट्राई कर लिए थे, बट आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपके लिए इस महीने गुड न्यूज़ आ रही है। साथ ही कर्मा का कार्ड यहाँ पर आया है, दैट मीन्स कि कुछ गुड कर्मा
आप लोगों का यहाँ पर फल दे सकता है आपको, तो गुड कर्मा करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, फल तो मिलते रहेगा। अच्छा जैसा काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा इस महीने आपको मिल सकता है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकता है। कुछ लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पर यहाँ पर जा सकते हैं अपने काम, अपने हार्डवर्क की वजह से। आपको किसी क्षेत्र में स्टूडेंट्स हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, अपने हार्डवर्क की वजह से कोई रिजल्ट आ सकता है आप लोगों का, एंड उसमें आप सक्सेस मिल सकती है आप लोगों को। और कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन यहाँ पर मिल सकती है, अच्छी पोजीशन, प्रमोशन वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है। तो अब हम देख लेते हैं तो आपको अपने काम पर, अपने काम को करते रहना है, करते रहना है, जब तक आपको सफलता ना मिले अपने काम को करते रहिए, करते रहिए। ओके, शेड्यूल बना के डिसिप्लिन के साथ। टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है, थैंक यू सो मच। वृषभ राशि, वृषभ राशि, टॉरस राशि के लिए क्या गाइडेंस है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, इस कार्ड से भी हमें यही पता चल रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको उसी काम में आगे बढ़ते रहना है। आपको ओवरथिंक नहीं करना है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करना है, बस आपको काम करते जाना है। एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी है यहाँ पर, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, एंड गो विद द फ्लो, थैंक यू। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू, सरेंडर करिए यूनिवर्स को, आपको भरोसा रखने की यहाँ ज़रूरत है। आप लोग अगर उदासी की ऊर्जा में हैं तो आपको सरेंडर यहाँ करने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी आपको बहुत समय से ट्रेन किया जा रहा है अपनी स्किल्स पर, तो आपको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा निखारने की यहाँ ज़रूरत है। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चिंता वाली स्थिति में हैं तो सरेंडर करिए, अपने चिंताओं को ईश्वर को सौंप दीजिए, ईश्वर उसका ध्यान रखेंगे और बस अपना कर्म करते जाइए। एंड जो भी क्वेश्चन हैं आपके माइंड में, उनकी जो भी आंसर्स हैं वो आपके अंदर ही हैं, आपके भीतर ही हैं, तो आपको अपने काम से या फिर मेडिटेशन वगैरह करके अपने आंसर्स पता लग सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी पावर्स का यहाँ पर पता लग सकता है। थैंक यू सो मच। और क्या कार्ड्स हैं हम देख लेते हैं आपके लिए, और क्या गाइडेंस है टॉरस राशि वाले के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा है आप लोगों के ऊपर इस महीने। बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, बहुत पैसे आने वाले हैं इस महीने आप लोगों के लिए। पित्त एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सुंदरता पर भी, अपने बॉडी पर भी ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी सुंदरता पर ध्यान रखिए, साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर, यहाँ अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए। साथ ही आपसे कहा जा रहा है बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, बैलेंस लेकर आइए। बहुत ही आपके स्टमक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बैलेंस डाइट लीजिए, गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप बैलेंस डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, एंड बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है आप लोगों को अपने काम में, अपने शेड्यूल में, अपनी वर्क लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी चीज़ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पर। तो बैलेंस आ रहा है इस महीने, एंड साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर निखारिए, आपके पैशन यहाँ पर, पैशनेट ऊर्जा मुझे बहुत दिख रही है, आप अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट रहने वाले हैं इस महीने। सो यस, टॉरस राशि, ये थे आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आपने मेरे चैनल पर, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तब तक के लिए तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।